नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको 4x लेटर की हेल्प से बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप ईगल का चित्र बनाना सिखाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, बस आपको करना क्या होगा, जल्दी से आप मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर 4x लेटर लिखना होगा। एक एक्स यहाँ पर लिखिएगा, फिर इसके बाद जस्ट इसी के नीचे एक एक्स लेटर आपको यहाँ पर भी लिखना होगा। फिर थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए एक एक्स लेटर आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, एक छोटा सा एक्स लेटर आप इधर ऐसे लिख दीजिएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला दोस्तों। अब आपको इधर से यहाँ से ऐसे मिलाना होगा, इधर से भी मिला दीजिएगा, नीचे वाले हिस्से को ऊपर वाले के साथ इधर भी आप ऐसे मिला देंगे दोस्तों। मिलाने के बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ तक तो हो गया हमारा। नीचे के साइड में इधर ऐसे हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए ऊपर के साइड में कर दीजिएगा। ऊपर के साइड में इस वाले एक्स के हिस्से को आप यहाँ पर ऐसे नीचे के साइड में, फिर अंदर बाहर, फिर यहाँ से आप इसका एक पंख बना दीजिएगा। सेम प्रोसेस आप यहाँ पर भी ऐसे रिपीट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखा देंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड में ले जाइए, यहाँ से भी ऐसे ऊपर के साइड में ले जाइएगा, ऊपर के साइड में ले जाने। अब आपको ईगल का यहाँ पर ऊपर के साइड में फेस बनाना है। देखिए कैसे बनाना है, यहाँ से तो आप डब्ल्यू लेटर लिख दीजिएगा, फिर इसी तरह आगे की तरफ बढ़ाते जाइएगा, यहाँ तक बढ़ाइएगा। बढ़ाने के बाद इधर से भी हल्का सा अंदर की तरफ करेंगे, ऊपर के साइड में दिखेगा, यहाँ पर एक हाफ़ सर्किल बनाइएगा। हाफ सर्किल बनाने के थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाइए, फिर इधर अंदर की तरफ करिएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। इधर आप ऐसे अंदर की तरफ झुका देंगे, फिर इधर से डबल करते हुए ऊपर के साइड में मिला दीजिएगा। इधर से हल्का सा हाफ सर्किल बनाइए अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ करते हुए इधर मिला दीजिएगा। अब आप अंदर बाहर की तरफ करते हुए यहाँ पर भी ऐसे मिलाएंगे, एक छोटी सी लाइन यहाँ पर ऐसे बनाइए, फिर एक लाइन इधर बढ़ाइएगा, हल्का सा हाफ सर्किल बनाइए, छोटा सा पॉइंट लगा देंगे। तो ये ईगल का यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा बनके तैयार हो गया है। छोटी सी लाइन इधर बनाइए, इधर आपको डबल करना होगा। डबल करने के बाद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब आपको बनाना है इस ईगल का नीचे वाला हिस्सा। इधर बनाने के लिए आप ऐसे करिए, इसको भी बढ़ा दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। अब आपको छोटी सी लाइन इधर बनाना, एक छोटी सी लाइन इधर बढ़ा दीजिए, इधर भी ऐसे करिए, इधर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको इस बर्ड का नेल यानी कि फिंगर बनाने होंगे, इधर भी बना दीजिए, थोड़ा थोड़ा पतला पतला कर दीजिएगा। अब आपको एक लाइन इधर आगे के साइड में बढ़ाना है, छोटी सी लाइन इधर बढ़ाइए, फिर अंदर बाहर की तरफ करते हुए एक बड़ा सा आप यहाँ पर इसका पंख बना देंगे यानी कि फीडर्स बना देंगे। अब आप ऊपर के साइड में लिखिएगा, यहाँ से ऐसे ले जाइए, हल्का सा उड़ता हुआ ये हमारा ईगल बनेगा यानी कि पंख फैलाए हुए, इधर ले जाइए, एक लाइन आगे की तरफ बढ़ाइए, फिर अंदर बाहर की तरफ करते हुए इधर ऐसे करिएगा दोस्तों। अंदर के साइड में भी आप अंदर बाहर की तरफ कर दीजिए, सेम प्रोसेस आपको इधर भी ऐसे रिपीट करना होगा। यहाँ पर हल्का सा अंदर बाहर ये हो जाएगा, यहाँ पर लाकर ऐसे मिला दीजिए। चलिए दोस्तों, आपको इधर भी ऐसे बनाना होगा और इसको पेंसिल की हेल्प से हम आज आपको शेड भी देना सिखाएंगे। चलिए अब हम सेम जैसे हमने इधर बनाया इधर भी बना लेते हैं। Thank you.